जान जाए कि मैंने बंद किया या निर्जला किया। ये ध्यान रखना, जिस जिस कार्य में, जिस जिस क्रिया में आपको आपूर्ता हो रही हो तो समझ लेना कि आप बंद कर रहे हो। चाहे फिर आप भगवान की आराधना कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, करोड़ों रुपए का कलश लेकर के अभिषेक कर रहे हो, लाखों अरबों रुपए देकर के आप इंद्र बन गए हो और आपके मन मस्तिष्क का खुलता है, तो आप समझ लेना कि आप निर्जय नहीं, बंद कर गए। जीवन के किसी भी कार्य में जहां आपूर्ता आती है, चाहे वो धर्म का क्षेत्र हो और यहाँ वादी धर्म के क्षेत्र की है, क्योंकि बात हम निर्जरा नहीं कर रहे हैं। आपूर्ता का मतलब ये हो गया कि आप अपने जीवन में उथल पुथल कर रहे हैं, आपके जीवन में उठा पटक है और आपूर्ता ही बंद का कारण है। आप प्रवचन सभा में बैठे हैं, आपको जाने का विकल्प हो जाए, प्रवचन कब खत्म होगा, भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, देख रहे हैं कब पूरा होगा, आज 5 मिनट ज्यादा हो गए, मुझे बच्चे को स्कूल भेजना है, मुझे पति का टिफिन बनाना है, ऐसी आपूर्ता भी आपको दोनों जगह से चीट कर देती है। ना आपका मन अभिषेक में है, ना आपका मन घर में है। यह आपकी आपूर्ता का कारण बन सकता है। 5 करोड़ रुपया भी आपने दान में दे दिया और उधार लाकर के दिया है, ब्याज से लाकर दिया है, तो 5 लाख देने के बाद भी आपके मन में आकुलता है तो दान का फल नहीं है। हमारे आचार्य ने कहा आहार के संबंध में कि आप मुनिराज को आहार करा रहे हैं, पड़ोस के चौके में तो चांदी के बर्तन थे, गुलाब जामुन बनाया, मैं 4 दिन बाद दे दूंगा और फिर 5,000 उधार लेकर के आए कि मुझे रसगुल्ले भी बनाना है, जलेबी भी बनानी है, तो वह आहार दान भी आपके आपूर्ता का कारण बना, क्योंकि आप संतोष से मंग मंग करके लाए थे। पहली आपूर्ता कि बर्तन घूम न जाए, दूसरी आपूर्ता को उठा कर न ले जाए, मैं तो पड़ोसी को कब वापस करूंगा, तो ऐसी आपूर्ता भी आपके जीवन में बंद का ही कारण करेगी, निर्जरा का कारण नहीं करेगी। तो आपूर्ता छोड़ना है, सोच लो कि मैं थोड़ी देर प्रवचन सुन लू, थोड़ी देर में कहीं काम कर लू, तो भी आप ये मान के चलना, ये समझ करके चलना कि आपके जीवन में अब आपूर्ता नहीं गई है। छटाला की चौथी धार का पहला छंद देख लेना, आत्म को हित सुख, आपूर्ता आत्म सुख, सुख आपूर्ता भी न कही। अगर वास्तव में सुख चाहिए तो आपूर्ता तो आपूर्ता ही आपका सबसे बड़ा कारण है जो आपके निर्जरा नहीं होने देगी, जो
अभिषेक देख रहे हैं, भगवान की आराधना उपासना कर रहे हैं और आकुलता है, तो आपके बंध का कारण बनेगा। फिर क्या करें भगवान? निराकुल रहो, जहां आकुलता नहीं है वो काम करना प्रारंभ कर दो। आपको लग रहा है कि एक माला फेरने में मेरी निराकुलता है तो एक माला फेर देना। आपको लग रहा है कि मुझे मात्र दर्शन करने में निराकुलता है, दर्शन कर लेना, अभिषेक मत देखना। क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं कि आपने किसी को बाहर गाली दी, धर्म क्षेत्र के बाहर, चाहे मंदिर हो, चाहे उपाश्रय हो, चाहे गुरु का नजदीक हो, धर्म क्षेत्र के स्थान के बाहर आपने किसी को गाली दी, आपने कसाई करी और वही कसाई आपने मंदिर में की, धर्म स्थान में की, तो जो बाहर कर्म का बंध हुआ है वह 100 कर्म बंधे हैं और वही गाली आपने मंदिर में दिए तो 1000 कर्म बंधे हैं। पुलिस के सामने चोरी करो तो दंड तत्काल मिलता है, अधिक मिलता है, और पुलिस के आंख में चोरी करके उनके सामने ना करो तो सजा भी, क्योंकि गवाह तो है नहीं, जब गवाह आएगा होगा तब सिद्ध होगा, पर जब पुलिस के सामने की तो ना गवाह की आवश्यकता है। आप सोच लो कि पुलिस के सामने हम गाली दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो आपके अंदर कितनी कसाई भरी होगी, कितना निर्दयपन होगा, और वही गाली वही अशब्द जिन्हें देखे भगवान के सामने कह रहे हो, तो आप सोचना कि आपके अंदर कितनी कसाई, कितनी कसाई का उदय आपके सामने है। निराकुलता से ही रहना, क्योंकि निराकुलता ही हमारी निर्जरा का सबसे बड़ा साधन है। आज आप सोचो मैं अभिषेक करता हूं, आप सोचो मैं पूजा करती हूं, फिर भी मेरे जीवन में कहीं ना कहीं परिवार में दुख तो आ रहा है ना। मैं पूजा कर रही हूं, मैं अभिषेक कर रही हूं, मैं आहार दान दे रही हूं, मैं सब कर रही हूं, फिर भी मेरे जीवन में क्या उदय आ रहा है? पाप का उदय आ रहा है, मैं दुखी हो रही हूं। अरे भैया, आपने जो पाप धर्म के कारण आकुलता करी थी वो भी आपके साथ में लगी हुई है, उसी के कारण आपके जीवन में धर्म का काम करते हुए भी आपके जीवन में सुख और शांति नहीं। आप कोई पेपर वर्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो? पेपर वर्क। और आज लास्ट तारीख है कि आज के बाद नहीं होगा, आज जमा करना है, और हाय बात में कुछ लिखोगे तो क्या होगा? हाँ, गलत लिखाएगा, राइटिंग बिगड़ेगी, क्यों? आकुलता थी। क्या थी? आकुलता। और आपने सोच लिया कि मेरे को आकुलता नहीं, निराकुलता से धीरे धीरे भी काम करना है, करूंगा, तो गलती भी नहीं होगी। एक्सीडेंट आकुलता में होता है। किस में होता है? निराकुलता में एक्सीडेंट, गाड़ी चला रहे हैं और आपको एहसास हुआ कि ब्रेक नहीं लग रहा है, आकुलता हो गई, तो दिमाग काम करना। आकुलता में दिमाग काम करता है क्या? नहीं करता ना। फिर हम उल्टा सीधा तरीका देखते हैं, हेडबैंड लगा लो, ये दबा लो, पर अगर निराकुलता नहीं है, अगर निराकुलता है तो क्या करोगे? कुछ न कुछ ऐसा उपाय निकालने की कोशिश करोगे जिससे आपका एक्सीडेंट होने से बच जाओ।
भगवान की एक पूजा करी, सामग्री करी, इतनी आपूर्ता है कि मंदिर में आए थे और घर से सोच के आए थे तो पूजा करना है। छोटे छोटे उदाहरण देकर आप समझने की कोशिश करा रहा हूं आपको। दो पूजा करना थी तो चार चटक लेके आए थे, दो दीपक की और दो ने व्यक्ति की। अब मंदिर में आए, दादी ने कहा आज तो ये पूजा भी करनी चाहिए, आज तो भराने का ज्ञान कर जाने के, आज तो महाराज उनका मोक्ष कर जाने के। अब पूजा कितनी हो गई, अब आपूजा हुई नहीं, क्या करोगे, घर जाओगे? उसी चटक के दो टुकड़े,